Vidya, Vidya. मिस्टर इंडिया, मैं रख लूं? तुम्हें पसंद है तो रख लो मिस्टर ओशन। मिस्टर ओशन, विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ एक एक सपने के समान लग रहा था दिव्या, मगर अब सब कुछ साफ साफ हमारी आंखों के सामने है। हम जब उस बिल्डिंग से गिर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था मानो कि हम एक फिल्म देख रहे हैं। हर एक दृश्य हमारे हमारे आंखों के सामने था। हमारा एक्सीडेंट, हमारा पागलपन, हमारी शादी, सिंगापुर जाना, सब कुछ साफ साफ हमें दिखाई दे रहा था। हमें सब कुछ याद आ गया है। सब कुछ कि हमारे साथ क्या हुआ था और हम कौन थे। दिव्या, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप और भारत ये कदम नहीं उठाते तो हमें कुछ याद नहीं आता। हमें हमारा पिछला जन्म याद नहीं आता। I'm sorry, अमर भैया, मैंने आपके खिलाफ होने का नाटक किया, मेरे सब मेरे मकसद के लिए। नहीं भारत, तुमने और दिव्या ने जो मिलकर किया है आज, अगर तुम लोग नहीं करते तो आज शायद ऐसा नहीं होता। दिव्या, हमें वो सब कुछ समझ में आ गया है जो आप हमें समझाना चाहती थी। सिंदूरा प्रताप सिंह का चेहरा, असली चेहरा हमारे सामने आ गया है।
बस यही चाहती थी कि आप उनका असली चेहरा देख ले और वो दोबारा से आपको धोखा ना दे सके। नहीं दिव्या, इस जन्म में वो हमें धोखा नहीं दे सकती। सिंदूरा प्रताप सिंह को हम पर किए हर हमले का हिसाब चुकाना और वही हिसाब लेने के लिए हम वापस आए हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है सिंदूरा प्रताप सिंह। लगता है इन लोगों को अब तक पता नहीं चला। हवा? अरे दी, अमर आ गया है क्या? अब पता नहीं दी, हम तो अंदर कमरे में थे, बस अभी अभी बाहर आए हैं। अमर अमर तुम घर पर हो? तक आया नहीं। कहाँ जा रहे हो? जानते हैं आप क्या करने वाले? नहीं अमर भैया, ये सही वक्त नहीं है। मेरी बात सुन अमर भैया, अमर उसका फोन भी नहीं लगा, लेकिन अब तक आ जाना चाहिए था। धनी कहाँ रह गया? मुझे तो ये जिंदा कैसे बच गया? इसने मुझे हाथ देख तो नहीं लिया। अमर तुम
तुम आ गए, मुझे तुम्हारी ये ये क्या हो गया तुम? साइड पर चोट लग गई। मैंने तुम्हें कहा था ना ध्यान रखने के लिए अपना। तुम मेरी बात के मुझसे वापस आए बड़ी मां। आज हम पर जानलेवा हमला किया गया। किसी तरह बच गए। हमला? किसने किया हमला और क्यों? तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? बहुत अजीब बात है बड़ी मां, ये तो हम भी सोच रहे थे कि हमारा दुश्मन भला कौन हो सकता है। आप जानते हैं वो कौन है? मतलब कारोबारी दुश्मन? नहीं अमर, मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन बेटा कुछ तो बताओ, ये सब हुआ कैसे? इस चोट, तुम तो शहर में नए आए हो, तुम तो किसी को जानते तक नहीं हो, ये सब किसने किया होगा? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना बेटा? हाँ नहीं मां, हम ठीक है। शंभूनाथ जी की कृपा से हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन अमर, तुम्हारे माथे पे तो काफी चोट आई है। अमर, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अब तुम जाकर आराम करो, मैं जरूर पता करने की कोशिश करूंगी कि ये सब किसने किया है। And I'll make sure कि दोबारा ऐसा ना। नहीं बड़ी मां, नहीं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं। हमारे दुश्मन की बस इतनी ही क्षमता है। अब चाहे हमारा दुश्मन धरती पर हो, आकाश में या पाताल में, जो भी हश्र होगा उसी का होगा।
हाँ बड़ी माँ, अब तो शंभुनाथ जी खुद इस बात का ख्याल रखेंगे कि इनके दुश्मन को कड़ी से कड़ी सजा मिले उसके किए की। और ऐसी सजा मिले कि वो दोबारा इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी ना कर सके। बुराई का अंत बहुत करीब है अब बड़ी माँ। इतना लंबा समय बीत चुका है, एक नया जन्म, मगर फिर भी शंभुनाथ जी के प्रति जो श्रद्धा आपके मन में पहले थी वो अब भी है। पहले जिस तरह आप उनसे लड़ती थी, बातें करती थी, हंसती थी, रोती थी उनके साथ, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि कुछ नहीं किया शंभुनाथ जी ने हमारे लिए, हर पल हर कदम पर हमारे साथ थे। पता है जब मैं इस घर में पहली बार आई, तब जब मैंने इस घर में इस परिवार में अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश की, उस समय हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। तब मेरे साथ कोई भी नहीं था सिवाय शंभुनाथ जी के। जब मैं आपको सर्जरी के लिए ले जा रही थी सिंगापुर, तब उस समय कितनी मुश्किलें हमारे सामने आई थी, तब सिर्फ शंभुनाथ जी ने हमारी मदद की, नहीं तो पता नहीं हम सफल हो भी पाते कि नहीं। हर छोटे बड़े काम में वो मेरे साथ ही रहे हैं, मेरे गुरुजी बनकर मेरे साथ रहे हैं। आपको आपको ये सब लम्हे याद है? याद है, वो हर एक लम्हा याद है हमें। पर पता है क्या, जब से अतीत की परछाई हम पर पड़ी है, एक लम्हा है जो हम भुलाए नहीं भूलते। एक ऐसी तस्वीर जो हमारी आंखों से नहीं हटती।